इसमें हम देखते हैं कि लेज़र प्रिंटर किस तरीके से कार्य करता है। ये प्रिंटर का डायग्राम है, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, कि किस तरीके से प्रिंटर काम करता है, जिसमें हम देखेंगे लेज़र प्रिंटर प्रिंट प्रोसेस, प्रिंटिंग प्रोसेस किस तरीके से इसका होता है। तो इसमें कि ये जो पूरा प्रोसेस है, ये डायग्राम पूरा फंक्शनल बना हुआ है, इसमें तीन अलग अलग ब्लॉक में ये बना होता है। पहला स्कैनिंग यूनिट, दूसरा टोनर कार्टेज, तीसरा फ्यूज़र असेंबली। ये तीन अलग अलग स्टेप में होता है, मतलब पेपर प्रिंट होके किस तरीके से बाहर जाएगा वो पूरा प्रोसेस हम यहाँ पे आज इसको समझते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है वो स्कैनिंग यूनिट होता है। स्कैनिंग यूनिट क्या होता है, इसमें देखिए ये चीज़ें लगी होती हैं। सबसे पहले लेज़र डायोड। ये लेज़र डायोड, इसका काम क्या होता है कि जो भी कंप्यूटर से प्रिंट डेटा आएगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल, उस इलेक्ट्रिक सिग्नल को ये लाइट में कन्वर्ट करेगा, लेज़र बीम में कन्वर्ट करके आउट करेगा। ये लगा हुआ स्कैनिंग मोटर, एक मोटर लगी हुई है जो स्कैनिंग यूनिट में लगी हुई, इसलिए इसका नाम क्या है, स्कैनिंग मोटर। इस मोटर के जस्ट ऊपर में, मोटर के साथ ही एक मिरर लगा होता है, जिसको बोलते हैं पॉलीकॉन मिरर। मोटर रोटेट होगी तो मिरर भी उसके साथ ही रोटेट होगा। फिर आगे इसी यूनिट में, स्कैनिंग यूनिट में, दो यहाँ पे लेंस लगे हुए हैं, जिसको बोला जाता है बीम अलाइनमेंट लेंस। अब इसकी वर्किंग क्या होती है ये देख लेते हैं कि जब हम कंप्यूटर में प्रिंट कमांड देंगे तो सबसे पहले जो प्रिंट डेटा आएगा, इलेक्ट्रिक डेटा, वो कहाँ आएगा, स्कैनिंग यूनिट में आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि लेज़र डायोड क्या करेगा, उस इलेक्ट्रिक डेटा को लेज़र बीम में कन्वर्ट करेगा, और ये जो मिरर है वो रोटेट होता रहेगा प्रिंट डेटा के अनुसार। जब इस मिरर पे ये लेज़र बीम पड़ेगी तो वो क्या करेगा, उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पड़ेगी, बीम अलाइनमेंट लेंस के ऊपर वो लाइट पड़ेगी, और यहाँ से लाइट पास होगी और पास होकर सीधे टोनर कार्टेज के अंदर जो ओपीसी ड्रम लगा होता है उसके ऊपर वो लाइट पड़ेगी। तो इसका काम क्या है, इलेक्ट्रिक डेटा को लाइट में कन्वर्ट करके उस लाइट बीम को ओपीसी ड्रम पे देना। लेजर प्रिंटर में सबसे मेन जो फंक्शन होता है वो होता है टोनर कार्ट्रेज का। कार्ट्रेज के अंदर क्या होता है कि तीन ड्रम लगे होते हैं, ये टोनर कार्ट्रेज। इस कार्ट्रेज के अंदर ये तीनों चीज़ें लगी होती हैं, ITR, ये भी एक रोलर है, OPC ड्रम, ये भी एक रोलर, PCR प्राइमरी चार्जिंग रोलर। अब इसका क्या प्रोसेस होगा, जो मेन फंक्शन होता है वो इसी का, इमेज डेवलप इसी में की जाती है। तो वो किस तरह से की जाती है, इस प्रोसेस को हम समझते हैं। ये ओपीसी ड्रम, ओपीसी सॉरी ओपीसी ड्रम, ड्रम जो होता है ये एक एल्युमिनियम के सिलेंडर पे बना होता है। इसका बेस जो होता है वो एल्युमिनियम होता है, और इसके ऊपर ओपीसी का पूरा नाम होता है ऑर्गेनिक फोटो कंडक्टिव, ऑर्गेनिक फोटो कंडक्टिव ड्रम इसको बोला जाता है। तो इसका बेस जो होता है एल्युमिनियम होता है, और इसके ऊपर क्या होता है, फोटो कंडक्टिव जो मटेरियल होता है उसका वो लेयर लगा होता है, और इसमें पॉजिटिव सप्लाई दिया जाता है, एल्युमिनियम के बेस में पॉजिटिव सप्लाई दी जाती है। फिर जस्ट इसके पास दूसरा रोलर, जिसको बोला जाता है PCR, PCR मतलब प्राइमरी चार्जिंग रोलर, PCR ये लगा होता है। इसमें क्या होता है, हाई वोल्टेज की नेगेटिव सप्लाई दी जाती है PCR में। तो जो PCR में हाई वोल्टेज नेगेटिव होती है और इसमें पॉजिटिव होती है, तो इसका नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इस ड्रम के ऊपर आ जाता है। इसका नेगेटिव चार्ज, जो हाई वोल्टेज नेगेटिव चार्ज है, वो इस ड्रम के आप ऊपर आ जाता है। क्यों, क्योंकि ड्रम के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, इसलिए इसका नेगेटिव चार्ज जो होता है इस ड्रम के ऊपर पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये PCR रोलर क्या करता है, इस ड्रम को नेगेटिव चार्ज वाला बना देता है।
तो ये ड्रम क्या होता है, ओपीसी ड्रम, नेगेटिव चार्ज से वो चार्ज होता है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ड्रम के अंदर पॉजिटिव, ऊपर में नेगेटिव चार्ज, और ड्रम क्या है वो नेगेटिव चार्ज वाला हो गया। अब लेजर बीम जो कि स्कैनिंग यूनिट से बीम अलाइनमेंट लेंस से लेजर बीम पास होकर ड्रम पे पड़ रही है, उससे क्या होगा कि जब लेजर बीम इस ड्रम के ऊपर पड़ेगी तो जो लेजर बीम पड़ेगी वो करेक्टर के रूप में आएगी, और लेजर बीम जब इस पे पड़ेगी तो जहां जहां लेजर बीम पड़ेगी वहां वहां का नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, वो डिस्चार्ज हो जाएगा, और ड्रम के ऊपर ही इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज जो होगी वो बन जाएगी, जो कि इनविजिबल इमेज वो बन जाएगी, और यहाँ पे जो करेक्टर यहाँ पे आपको दिखाई देंगे प्रिंट होंगे वो करेक्टर वो उल्टे रूप में होंगे इस तरह से, मतलब जब ये पेपर पे जाएंगे तो ये सीधे हो जाएंगे। तो जहां जहां पे लेजर बीम पड़ेगी वहां वहां का एरिया नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, वो डिस्चार्ज हो जाएगा, और ड्रम के ऊपर ही क्या बन जाएगा, इनविजिबल इमेज वो डेवलप हो जाएगा जिसको हम देख नहीं सकते ड्रम के ऊपर। अब इस इनविजिबल इमेज को विजिबल बनाना है ताकि वो ड्रम के ऊपर इमेज दिखाई देने लगे, उसके लिए क्या होता है, इसके पास में तीसरा रोलर लगा होता है जिसको क्या बोलते हैं, ITR, इमेज ट्रांसफर रोलर, ये इसको मैग्नेटिक रॉड भी बोलते हैं, और ये जहां कहां लगा होता है, जहां पे टोनर पाउडर रखा होता है वहां पे ये रोलर लगा होता है ओपीसी के पास में। तो इसमें क्या होता है, पूरा टोनर लगा होता है, आईटीआर में क्या होता है, पूरा टोनर पाउडर लगा होता है, और ये क्या करता है मैग्नेटिक रॉड, ये टोनर पाउडर को निगेटिव चार्ज वाला बनाता है। तो इस पे लगा हुआ टोनर जो नेगेटिव चार्ज वाला टोनर है उसको ओपीसी के डिस्चार्ज एरिया जहां जहां इनविजिबल इमेज बनी हुई है वहां पे उसको लगाया जाता है। तो क्योंकि ये रोलर क्या होता है, कंटिन्यू घूमते रहते हैं, एक के पास एक दूसरे के पास लगे हुए रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो जब ये इनविजिबल का डिस्चार्ज एरिया इस रोलर के पास पहुंचता है तो इस पे जो टोनर लगे होते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले टोनर जो लगे होते हैं वो इसके ऊपर आ जाते हैं ड्रम के ऊपर। तो जहां जहां पे क्या होता है डिस्चार्ज एरिया होता है वहां वहां पे टोनर क्या होता है इस पे चिपक जाता है, और जहां जहां पे ये नेगेटिव चार्ज एरिया होता है वहां वहां पे टोनर नहीं चिपकता है। तो इस तरह से क्या होता है कि ड्रम के ऊपर जो टोनर पाउडर लग जाता है तो इससे मतलब विजिबल इमेज यहाँ पे बन जाती है, मतलब ड्रम के ऊपर ही क्या बन जाती है, विजिबल इमेज जिसको हम देख सकते हैं, वो भी उसका करेक्टर क्या होता है वो उल्टे रूप में वहां पे बन जाता है। तो ड्रम के ऊपर ही पहले इनविजिबल इमेज बनी, फिर उसके बाद उसी के ऊपर टोनर पाउडर लगा के उसको विजिबल बनाया गया। ठीक, अब इस ड्रम पे बनी हुई इमेज को, टोनर इमेज को पेपर पे ट्रांसफर करना है, तो वो कैसे होता है, उसके लिए इस रोलर का यूज किया जाता है जिसका नाम क्या है, ट्रांसफर रोलर। ये कार्टेज में नहीं होता है, ये जो होता है प्रिंटर मैकेनिज्म, जहां पे कार्टेज को लगाया जाता है वहां पे ये लगा होता है। तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव सप्लाई दी जाती है। अब ड्रम, ओपीसी ड्रम, इस पे टोनर ये पाउडर क्यों चिपका हुआ है, क्योंकि ये अंदर का पॉजिटिव चार्ज उसको टोनर को पकड़ के रखा हुआ है, इसलिए वहां पे वो चिपका हुआ है। तो ओपीसी ड्रम और ट्रांसफर रोलर इन दोनों के बीच में से पेपर को पास किया जाता है। तो जब ये रोलर घूम के ओपीसी ड्रम जब घूम के ट्रांसफर रोलर के पास पहुंचता है, मतलब इमेज जो बनी हुई ट्रांसफर रोलर के पास वो जब पहुंचती है, उसी समय क्या होता है इन दोनों रोलर के बीच में पेपर आ जाता है, और ड्रम पे बनी हुई इमेज जो विजिबल इमेज टोनर इमेज है वो पेपर पे ट्रांसफर हो जाती है। क्यों, क्योंकि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होता है, टोनर के नेगेटिव चार्ज को, मतलब टोनर इमेज को खींच लेता है, और पेपर पे जब वो इमेज आती है तो इमेज वहां पे वो सीधी हो जाती है और पेपर पे हमें सीधी इमेज प्रिंट हुई दिखाई देती है। तो इसका काम क्या है कि ड्रम पे बनी हुई टोनर इमेज को पेपर पे ट्रांसफर करना इस रोलर के माध्यम से। अब यहां से जो पेपर आउट होगा, यहाँ पे इमेज आपको डेवलप हुई दिखाई देगी, लेकिन ये टेम्परेरी रहेगी। टेम्परेरी का मतलब कि इमेज अगर आपने लिखा यहाँ प्रिंट है उसको आप ऐसा साफ करेंगे यहाँ से, तो वो इमेज क्या हो जाएगी, वो साफ हो जाएगी, क्योंकि
वो सिर्फ टोनर पाउडर को पेपर पे ऐसा चिपका के मतलब लगाया गया है ताकि वो खाली तो वहाँ पे लगा रहे। अब इस इमेज को क्या करना है, परमानेंट करना है ताकि वो क्या है पेपर से अलग ना हो। उसके लिए प्रिंटर में तीसरा जो यूनिट होता है फ्यूज़र असेंबली, उसका यूज़ किया जाता है। फ्यूज़र असेंबली में दो रोलर लगे होते हैं, एक प्रेशर रोलर दूसरा फ्यूज़र रोलर। फ्यूज़र रोलर में क्या होता है, हीटर एलिमेंट का यूज़ किया जाता है। इसको एसी सप्लाई दी जाती है जिससे क्या होता है ये हीट होता है, गर्मी पैदा करता है। तो पेपर जो होता है पेपर को प्रेशर रोलर और हीटर रोलर के बीच में से पास किया जाता है। हीटर रोलर के ऊपर टेफ्लॉन का यूज़ किया जाता है जिससे पेपर को जलने से बचाया जाता है, लेकिन हीट को पास किया जाता है। तो जब पेपर प्रेशर रोलर और फ्यूज़र रोलर के बीच में से पास होता है तो उसके प्रेशर के कारण टोनर पाउडर जो होता है वो प्रेस होता है, पेपर प्रेस होता है, और हीट के कारण क्या होता है टोनर पाउडर जल के सूख जाता है, और प्रेशर रोलर क्या करता है उसको दबा के बिल्कुल पेपर पे परमानेंट कर देता है, और फिर यहाँ से इमेज वो आउट हो जाती है। तो इस तरह से क्या होता है कि लेज़र प्रिंटर का ये पूरा प्रिंटिंग प्रोसेस है कि किस तरीके से ये पूरा पेपर पे प्रिंट करने का काम करेगा।